गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं और आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। मैं आज 8 ही बजे उठ गई थी, इसलिए क्योंकि रात में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी और फीवर भी था, इस वजह से मैं मॉर्निंग में जल्दी जग गई। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि लग रहा था पेट पूरा खाली हो गया। मन कर रहा था बस जल्दी से उठो और चाय नाश्ता करो। तो मैं सुबह सुबह उठ के ही चाय नाश्ता कर चुकी हूँ और फिर अपना काम मतलब अपना बेड सही करने लगी हूँ। और यार बेड वगैरह जो है ना सही कर लो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। वैसे भी मैं अभी इसमें बैठूँगी, ऐसा नहीं कि नहीं बैठूँगी, लेकिन बेड वगैरह बेड शीट वगैरह जो है ना वो पूरा झाड़ के फिर से बिछा दो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही सारा मैं काम कर रही हूँ। और यार मैं विंटर में जो है ना मैक्सिमम जो बेड पे अपने बेड शीट वगैरह यूज़ करती हूँ या तो वो पुराने ब्लैंकेट यूज़ करती हूँ या फिर मैं विंटर वाली जो बेड शीट्स आती हैं वो मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म बनी रहती हैं और कॉटन वाली बहुत ठंडी होती हैं। तो अभी हमने ये एक ब्लैंकेट रख दिया है और मैं रात में यार हम लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग 2-3 अपने बेड पर रखते हैं। और अभी मैंने एक साइड में फ़ोल्ड करके रख दिया है, क्योंकि पता चलता है कि बेड पे इतने ज़्यादा अगर ये ब्लैंकेट वगैरह रखो तो बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लगने लगता है। तो अभी मैं 2 हल्के हल्के से इस पे रख लेती हूँ, जिससे कि अभी दिन में तो चलो काम चल जाता है, रात में थोड़ा मोटे जो ब्लैंकेट होते हैं उनको यूज़ करती हूँ। तो अभी मैंने अपना बेड वगैरह सही कर लिया है और अभी डस्टिंग वगैरह भी करनी है और नीचे भी अभी साफ़ सफ़ाई मतलब करनी है। और साइड में मैं एक उधर मतलब छोटा सा एक नीचे ही बेड लगा के रख देती हूँ। गद्दे 2 पड़े हुए हैं और उसी के ऊपर मैंने अपना बेडशीट वगैरह डाल दिया है, जैसे कि बाबू को कभी खेलने का मन करता है तो मैं जो छोटे छोटे खिलौने हैं वो इसी पर डाल देती हूँ और बाबू यहीं पर खेला करते हैं। और जो एक्स्ट्रा पिलो कवर या सब कुछ होता है तो मैं वही साइड में ही रख देती हूँ, जिससे मुझे जाना ना पड़े दूसरे रूम में। मतलब मैं थोड़ा सा आलसी टाइप की हूँ तो एक ही कमरे में सब करना पसंद करती हूँ। और अभी चलते हैं नीचे भी थोड़ा साफ़ सफ़ाई कर लेते हैं। और ये भी मैंने साफ़ कर दिया है, अभी बाबू यहाँ पर बैठ के खेलेंगे थोड़ी देर अपने खिलौने वगैरह। और उसके बाद अभी जो एक्स्ट्रा सामान है बाहर पड़ा रहता है, यार बाबू जो है वो रात में खूब ज़्यादा मतलब सारा सामान निकाल देते हैं। मॉर्निंग में ये डेली का काम है हमारा सब कुछ उठा के रखना, तो अभी हम डस्टिंग भी कर देंगे, क्योंकि यार चाहे घर में कोई हो या ना हो डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो जो सामान है वो उठा उठा के मैं सारा डस्टिंग कर दूँगी। और उसके बाद सोच रही हूँ कि नहा लूँ, लेकिन मुझे फीवर लग रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि अभी नहाऊँ या थोड़ी देर में नहाऊँ। कैसी तबीयत है अब? बढ़िया। तो कल इनको रात में काफी ज्यादा वॉमिटिंग हुई थी, रात में 2 बजे के आसपास। और कल रात में मैंने दाल वाली पूड़ी खा ली थी, चने वाली। हाँ। तो रात में हम बहुत ज्यादा मतलब मुझे उल्टियाँ हो रही थी और लैट्रिन भी हो रही थी। और पता है रात में सोचो हमेशा सब कुछ रहता था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब रखा है, लेकिन मेरा मन कर रहा था बिस्किट खा लीजिए, बिस्किट खाएं। तो इन्होंने कहा कि पाले जी बिस्किट तो नहीं है। और रात में 2 बजे इन्होंने ऑर्डर किया और सारा सामान हमारे पास आ गया था, नमकीन। अब बिस्किट ऑर्डर, एक बिस्किट ऑर्डर कर नहीं सकते थे। तो ये देखिए ये पूरा 1 kg वाला है, ये पूरा पैक, इसमें खूब सारी नमकीन है, बिस्किट भी है। तो काफी कुछ मतलब कितना सोचो चेंज हो गया। पहले हम लोग अगर इतनी रात में 10 बजे भी कुछ सोच लेते थे तो नहीं हो पाता था, लेकिन अब बहुत आसान हो गया। हाँ, बहुत अच्छा लगा। सिर्फ 2 लोगों की तबीयत घर में खराब हुई है, एक तुम्हारी और मम्मी की। हाँ। और जिन लोगों को मतलब दाल वाली पूड़ी ज्यादा पसंद है, हमने तो आधी खाई थी, पापा कह रहे थे हमने खाई नहीं थी, तो हम लोग की तबीयत लग रहा था जैसे हम नहाएंगे भी नहीं। नहीं ना होगी, ठीक है बैठो आप, हम करो दवाई खाई है ना, आप पता चले नहा लेंगे तो कुछ बड़ा ठंडी। उधर चूहे तो नहीं आते हैं? सब उठा के रखेंगे बाद में, मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का। बैठो फिर, अभी आराम से लेटेंगे बैठेंगे। अब तो मौसम ही सही होने लगा है, धूप निकल आती है जल्दी, आराम करो फिर। ठीक, दवा तो नहीं लानी कोई तुम्हारे लिए? नहीं, दवा नहीं लानी है। ठीक, एकदम। हाँ, एकदम, बस आराम करो 2-3 दिन तक। अब बताओ, हम लोग अब सोचते हैं कि लाओ कुछ मतलब शॉपिंग करने जाएं, लेकिन सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो मन ही नहीं करता है। और अगर शॉप वगैरह पे मॉल वगैरह जाओ तो कुछ समझ ही में नहीं आता है, और ऑनलाइन इसीलिए तो और ज्यादा घर से मन नहीं करता निकलने का। ऑनलाइन बेस्ट आपको लगता है? इनसे बोल रहे थे कि चलो तुम्हारे लिए स्वेटर और जूते ले आते हैं, तो बोल रहे थे नहीं ऑनलाइन हो जाएगा सब कुछ, अब ऑनलाइन होना है। सही है। और अभी टाइम हो रहा है 12, और अब जाके मैं उठी हूँ, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था यार, फीवर भी था रात में, इस वजह से नहीं उठी थी। अब मैं सोच रही हूँ कि ये सारा सामान जो है वो मैं रख दूँ, क्योंकि ये सब पड़े रहते हैं ना, तो फिर क्योंकि ये सब अगर ना रखो ना तो ऐसे ही पड़े रहता है तो बहुत ज़्यादा जगह घेरता है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको एक डिब्बे में सारा कर देती हूँ। क्या हुआ, कह क्या रहा है ये तो बताओ, क्या हुआ, क्यों उठा लिया?
क्यों उठा लिया इसको? क्या चाह रहे हैं ये तो बताओ, क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है ये? अच्छा ये इस पे जाना चाह रहे हैं। अब क्या दिक्कत है, अब हम जानते हैं क्या दिक्कत है। हाँ वो चढ़ नहीं पा रहे हैं सही से ना, कह रहा उतारो, पता है बैठा दो बैठा दो बैठा दो, इनको चढ़ना हुआ चढ़ेंगे। अरे मत निकाल लो यार, पता नहीं क्यों निकाल दिया तुमने, नहीं निकालना चाहिए, ये अपने हिसाब से काम करवाते हैं सारा। अरे अरे ये क्या है, छोड़ दो जाने दो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तुम उनको ठंडा लग रहा है, इधर आ जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, तुम्हारा पैर सही नहीं हो रहा है यार, कब सही होगा? डॉगी डॉगी लाओ, फिर इनको कपड़े उपड़े इनके चेंज कर दें, गंदे लग रहे हैं, घूम के आए हैं, आओ। अभी दोपहर का 3 बज रहा है और हम लोग बहुत जल्दी जल्दी तैयार हुए हैं, क्योंकि हमारे नाना जी जो हैं उनकी तबीयत ख़राब है और 2-3 दिन पहले ज़्यादा ख़राब थी, अभी थोड़ा सा वो ठीक है, उन्हीं को देखने जा रहे हैं अपनी मामी के यहाँ, और मामी लखनऊ में ही रहती हैं, कहीं दूर नहीं है, तो सोचा कि जल्दी से जाके देख आते हैं, क्योंकि यार पता है नाना जो है ना, नाना से हम लोगों को बहुत लगाव इसलिए है क्योंकि एक तो नाना जो है वो हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और दूसरा ये है कि हम अपने बचपन में कम से कम 5-6 साल अपनी नानी के यहाँ रहे हैं, और सारी चीज़ें याद आती हैं जब ऐसा कुछ होता है, तो बस जैसे मम्मी ने बताया मुझे मतलब मन किया कि बस अब जल्दी से चलो और नाना को देख आते हैं, और वैसे भी यार लखनऊ में है और नाना जो है ना महमूदाबाद में रहते हैं, उधर यार हम लोगों का ज़्यादा जाना आना भी नहीं हो पाता है, और जब से बाबू हुए हैं तब से हम बहुत कम जा पा रहे हैं उधर, तो सोचा कि चलते हैं देख आते हैं, अभी लखनऊ में ही हैं तो देख लेते हैं जल्दी से चल के, और बस यही है कि हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हुए हैं और जा रहे हैं। नाना हमेशा जब भी मिलते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि तुम लोग आती नहीं हो, भूल गई हो, ऐसा नहीं है यार, कोई किसी को भूलता नहीं है, बस ये होता है ना कि हम लोगों की शादी के बाद जो है ना कंबाइंड फैमिली होती है, और अगर अकेले भी होते हैं लेकिन लड़के बच्चे इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि इंसान को टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो इसी वजह से हम लोग ज़्यादा मिल नहीं पाते हैं, तो बस आज सोचा कि अभी चले जाते हैं, क्योंकि पता चला कि मनाना अगर गांव चले जाएंगे तब और दिक्कत होगी थोड़ा जाने में, तो यहाँ पे हैं तो जल्दी जल्दी जाके मिल आते हैं। और बाबू को देखिए, ये सोने लगे थे और इनको हमने सोते सोते जल्दी से उठाया है और कार्टून वगैरह दिखाया, तब जाके इनको जल्दी जल्दी तैयार किया है और लेके जा रहे हैं, और पता है ये स्वेटर अभी हम कुछ दिन पहले इनको पहना लेके गए थे, तो खैर को गंदा नहीं हुआ था ज़्यादा, तो वही वाला मैंने इनको उठा के पहना लिया है, क्योंकि यार बच्चों में बहुत सोचना पड़ता है क्या पहनाएं क्या ना पहनाएं, और इनका रखना भी पड़ता है 2-1 डायपर वगैरह, और आज इनके डायपर भी खत्म है तो डायपर भी रास्ते से सोच रहे हैं ले लेंगे, और पता नहीं क्यों यार आज मुझे बहुत आंसू टाइप के निकल रहे हैं, ये देखिए काजल वगैरह लगाए फिर भी आंसू बहुत निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों। इधर देखो बाबू, और इनका देखो हमने सही से मुंह भी नहीं साफ किया है, बस खाली जल्दी जल्दी से इनको उठा के, ये देखो बस इनको जल्दी जल्दी से उठा के इनकी पोनी कर दी, वो भी सही से नहीं हुई है, ये देखो पूरा तेल लगा के कर दिया हमने चिपका चिपका के, तो बाबू कितने अजीब से लग रहे हैं। बाबू कहाँ जा रहे हो, बाबू कहाँ जा रहे हो, नाना बोलो, नाना बाबू बोलो, नाना बोलो, नाना बाबू कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो बता दो, इनका मन होगा तभी ये बोलेंगे कुछ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई थिंक आधे 1 घंटे लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा तो नहीं लेकिन आधे घंटे से कुछ ज़्यादा ही लगेगा पहुँचने में, तो जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं। बीच में कुछ तेज़ी से धूप होने लगी थी लेकिन अभी फिर से ठंडी आ गई, तो यार जो एजेड लोग हैं थोड़ा सा मतलब बूढ़े लोग उनको बहुत परेशानी हो जाती है, मेरा मम्मी है उनको भी बहुत परेशानी हो जाती है, पापा तो बहुत स्ट्रांग है मतलब वो चलते फिरते रहते हैं तो इतना नहीं होता है, लेकिन मम्मी को बहुत हो जाती है। और ये देखो इनका सोना स्टार्ट हो गया, जैसे ये गाड़ी में बैठते हैं बस इनका सोना स्टार्ट हो जाता है, और अभी देखो वहाँ पे पहुँच के सबसे पहले तो भें रोएंगे, इनका रोना तो शुरू हो जाता है कि कोई ले ना इनको,
और अभी हम मामा के यहाँ पहुँच गए हैं और हम लोग रास्ता भूल गए थे क्योंकि काफ़ी पहले हम आए थे यहाँ पे, तो इसीलिए देखिए आगे जो है ना वो मामा की जो बेटी है बड़ी वाली वो बुलाने आई थी, तभी हम लोग जा रहे हैं उसके पीछे पीछे। और ये देखिए हमारे नाना जी बैठे हुए हैं और मौसी लोग भी ये देखिए देखने के लिए आई हुई हैं। और यार आज तबीयत नाना जी की ठीक है, दो तीन दिन पहले बहुत ख़राब थी, तो नाना जी का बहुत मन कर रहा था कि सब लोग आएँ और मिलें उनसे। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे नाना जी यार बहुत ज़्यादा रोने लगे और हम लोग भी रोने लगे। फिर नाना जी को बहुत समझाया कि नाना जी आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, बस आपको सिर्फ ठंडी लग गई है। तो नाना जी थोड़ा सा उठ के देखो बैठे हुए हैं और दवा यार इतनी हार्ड है ना कि नाना जी बैठ भी नहीं पा रहे थे, तो थोड़ी देर बाद हम लोगों ने इनको लिटा दिया था। और दो तीन घंटे हम बैठे थे और उसके बाद हम चले आए थे क्योंकि बाबू इतना परेशान कर रहे थे। अभी तो देखो बाबू नहीं परेशान कर रहे लेकिन इनको जैसे कोई छू रहा है या ले रहा है तो बहुत रो रहे थे। तो प्लीज़ यार आप लोग प्रे कीजिए कि मेरे नाना जी जल्दी से ठीक हो जाएं। और अभी हम चलते हैं घर, फिर आपसे मिलते हैं। ये क्या है? ग्रोसरी का सामान। अब रोज मंगा रहे, लेकिन कल भी मंगाए थे, आज फिर? यार पता है शक्कर नहीं थी तो कहाँ जाते ठंडी में। अच्छा मतलब बाहर ना जाना पड़े, अब तुम इसी से सब मंगाया करते हो। कल भी मंगाया, आज मंगाया, आज का मंगाया चीनी और ये क्या मैगी है? ये क्या टाटा नमक चीनी और मैगी के दो पैकेट। सही है, मतलब अभी तक चलो हमारे घर में कपड़े मतलब आते थे ऑनलाइन, अब तो सारा ग्रोसरी का भी छोटू सामान मंगाया। अब मतलब रूम से क्या मतलब अब घर से किसी को बाहर निकलना ही नहीं है। मतलब सच बताएं अगर हम लोग घर के अंदर जो इंसान बैठ जाता है ना वो बिल्कुल मतलब सोच लो कि उसको बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होती है। आज फर्स्ट टाइम हम जब गए थे बाहर ना तब हमको भी लगा यार क्या ठंडी है। अब देखना हमारे घर में जितना भी सामान है ग्रोसरी का अब सब ऐसे ही आएगा। चीनी है और क्या है? मैगी नमक मैगी और है कुछ? दो पैकेट है मैगी। अच्छा दो पैकेट है। तुम तो ऐसे मंगाए हो जैसे लग रहा है कि फ्री, इतने बिस्किट मंगा डाले कल और ये सब मंगा डाले, क्या फ्री नहीं मिलता है, पैसे पड़ते हैं। तुम मुझे तो लग रहा है तुम इतना खुश हो बस खुशी के चक्कर में उड़ाए डाल रहे हो पैसे कि अब ग्रोसरी का सामान आने लगा है। और अब अगर छोटू ने एक बार मंगा लिया तो सोच लो डेली ऐसे ही करेंगे। अब डेली नहीं जाने का मन नहीं था। चाय बनाने जा रहे हो? जाओ बाबू दे दो। अरे छोड़ो चिपक जाएगा उसमें, लगा हुआ है। और अभी हम लोग नाना जी को देखकर घर आ गए हैं। और जब आ रहे थे तभी से बारिश हो रही है, बहुत तेज़ तो नहीं लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है शाम में। तो हम लोग सोच रहे थे कि जल्दी से घर पहुँचे और चाय पिएं क्योंकि हम लोगों को ठंडियों में चाय बहुत पसंद है और घर में चीनी नहीं थी तो इन्होंने चीनी भी ऑर्डर करके मंगा ली है। तो अभी चलते हैं हम लोग चाय बनाते हैं और पीते हैं। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।